असलम टू एवरी वन वेलकम यूेज वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक द मंगोल आफ्टर चंगेज खान लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट है चंगेज खान डेथ एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ मंगोल अम्पायर अंडर हीस एस्पेशली औगताई खान कुबलाई खान हलाकू खान एंड रेस्ट ऑफ दक्सेसर्स होप आपको ये टॉपिक ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं चंगेज़ ख़ान की डेथ के बारे में जब चंगेज़ ख़ान की डेथ हुई एट द एज ऑफ सिक्सटी फाइव एंड द डाइड बिकॉज ऑफ हिज़ ओल्ड एज एंड बिकॉज ऑफ द इंजरीज विच ही रिसिव जूरिंग द कॉन्केस्ट एंड द बैटल तो कहते हैं कि चंगेज़ ख़ान की जो डेथ है वो चाइना में एक रिवोल्ट ख़त्म करने के बाद हुई ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी सेवन में कहते हैं कि उसकी जो बॉडी थी उस पर कई इंजरीज़ आई थी एक इंजरी आई थी जो उसकी नेक पे आई थी गर्दन पे और दूसरा जो एक तीर था वो उसकी एक लेग में लगा था जिसकी वजह से फिर उसका चलना फिरना बहुत मुश्किल हुआ एज भी काफ़ी कंप्लीट हो चुकी थी सिक्सटी फाइव की उम्र हो चुकी थी और अब लड़ना इतना आसान नहीं था उसके लिए तो खैर जैसे ही चंगेज़ खान की डेथ हुई ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी सेवन में तो मंगोल उसका एक ट्रेडिशन था उस टाइम पे बल्कि आज भी है वो जब किसी ग्रेट खान की कबर बनाते यानी जब उसको दफन करते तो वो कबर किसी को दिखाते नहीं थे वो उसको नामो निशान मिटाते थे सेम हैड विद द ख़ान और वो भी वो सबसे ज़्यादा जिसको हम कहेंगे एग्जैजेशन की गई अब कैसे की गई मंगोल खान या चंगेज़ ख़ान जब उसकी डेथ हुई तो उसके दरियाए ऊनान जो काफ़ी मशहूर है मंगोलिया में दरियाए ऊनान जहाँ पे वो पैदा भी हुआ था उसी दरिया के किनारे एक टेंट में जब उसका फादर था जिंदा और उसका नाम रखा गया था तमोजिन तो उसी दरियाए उनान के किनारे पे कहीं पे उसको दफन किया गया कहते हैं कि जब वो मर गया और उसको दफन किया गया तो 40 लड़कियां जो अनमेरिड थीं उनको सैक्रिफाइस किया गया उनको मार दिया गया उसके बाद 800 घोड़े वाले यानी घोड़े प्लस जो उन पर सवार थे उनको ये हुक्म दिया गया कि चंगेज़ ख़ान की जो कब्र है उस पर इतना आप घोड़े दौड़ाइए कि वो नज़र ना आए ये प्लेन होना चाहिए और जब उनने ऐसा किया तो फिर उन घोड़ों को भी और उन लोगों को भी जो घोड़ों पे थे उनको भी मार दिया गया फिर जिन लोगों ने चंगेज़ खान की डेथ को देखा था फ्यूनरल को देखा था उनको भी मार दिया गया यहाँ तक कि जो जानवर उस कबर के आसपास से गुज़रते थे तो उनको भी मार दिया गया तो इससे ये पता चलता है कि जो चंगेज़ खान की कब्र थी उसको छुपा के रखा गया तो कुल मिलाकर लगभग करीब करीबन अस्सी हज़ार के आसपास वाले लोग उस वक्त मर गए सोल्जर्स भी थे उनमें जिनने देखा था और वो सोल्जर्स भी थे जिन्होंने उसकी कब्र को प्लेन कर दिया घोड़ों के टापों के नीचे तो ये तो था चंगेज़ ख़ान के बारे में उसकी डेथ के बारे में कैसे हो गई तो चंगेज़ खान की डेथ के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मंगोल में ट्रेडिशन था यानी कुछ क्लियर कट जो सक्सेशन होता है वो नहीं था हालांकि चंगेज़ ख़ान का मानना था चंगेज़ ख़ान की ख्वाहिश थी कि उसका बड़ा बेटा उसकी अम्पायर संभालेगा वही ग्रेट खान बनेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो उसके बेटे दूसरे बेटे ने जो यंगर सन था थर्ड सन था ओगदाई, तो उसने चैलेंज किया बोला कि जो बड़ा बेटा आपका है वो हमारे खानदान से नहीं है तो हम उसको कैसे दे सकते हैं ग्रेट खान का दर्जा तो इस तरह से ओगैक् जो ओगताई था उसको फिर चंगेज़ खान की जगह पे ग्रेट खान बना दिया और पूरी अम्पायर को डिवाइड किया गया चार कैटेगरीज में या हम चार पोर्शंस में तो वो चार पोर्शंस कौन से थे और मिले उसके बेटों को सीक्वेंस में लेकिन उनमें ग्रेट खान एक ही था ग्रेट खान मतलब सारे जो बाकी तीन खान थे जो बाकी तीन पार्ट्स थे मंगोल अम्पायर के वो सब थे ग्रेट खान के तो ग्रेट खान हम उसी को बोलते हैं जो सब सारे खानों में से टॉप था या यूं कहेंगे इन चारों भाइयों में एक ही था जिसको चंगेज़ खान की कुर्सी मिली रेस्ट को सिर्फ अम्पायर के टुकड़े मिले और उनको हेल्प के लिए कभी भी जब भी बुलाया जा सकता था उनको आना था अपनी आर्मी लेकर अपने रिसोर्सेज लेकर तो खैर चंगेज़ खान की डेथ के बाद हम उसका जो एक्सपेंशन है मंगोल अम्पायर का वो डिस्कस करेंगे टू फेज में एक फेज़ जो स्टार्ट हो गया 1236 से लेकर 42 तक और फिर दूसरा फेज़ जो 1255 से लेकर 1300 तक हुआ पहले फ़ेज़ में जो मंगोल्स थे यानी जो उसके बाद वाला खान बना और बाकी जो सक्सेसर्स थे उन्होंने कौन कौन से पार्ट्स को मंगोल अम्पायर के साथ जोड़ा तो इनमें रशियन स्टीप्स थे काफ़ी मशहूर है रशिया का एक पार्ट एशिया के साथ है और एक पार्ट यूरोप के साथ यूरोप वाला पार्ट सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट है रेस्ट जो भी बचता है वो एशिया का है यानी ज़्यादातर पार्ट इसका एशिया के साथ है तो खैर रशियन स्टीपस भलगार क्यू पोलैंड और हंगरी इनको कौन कर किया गया पार्शली पूरी तरह से एक्सपेंशन नहीं हो पाया कुछ रीजन छूट गए जो बाद में पूरे हुए सेकेंड फेज में जो कॉन्केस्ट था वो स्टार्ट हुआ ट्वेल्व फिफ्टी फाइव से लेकर थर्टीन हंड्रेड तक और इस बीच में पूरे चाइना को कुबलाई खान ने एक कर दिया यानी नॉर्थ चाइना एंड साउथ चाइना चंगेज़ खान के टाइम पे सिर्फ नॉर्थ चाइना था लेकिन कुबलाई खान ने उसको साउथ चाइना तक पहुंचा दिया यानी पूरा चाइना एक फॉरनर रूल के अंडर वो भी तीन सौ साल बाद तो खैर इसके बाद ईरान को भी और इराक को भी और सीरिया को भी जोरासलम जो सीरिया में इस वक्त प्लेस है जिसको बैतुलमुद्दस भी कहते हैं जिसको किबल अवल भी कहते हैं जहाँ पे मस्जिद अकसा भी है तो खैर ये सारे पार्ट्स मंगोल्स के कंट्रोल में आ गए यहाँ से पता चलता है मुस्लिम वर्ल्ड पे भी काफ़ी डिवेस्टेशन कर दी मंगोल्स ने तो खैर मंगोल आर्मी ने वैसे डिफीट तो नहीं देखी थी चंगेज़ खान के टाइम पे लेकिन उसके बाद उन्हें डिफीट फेस करनी पड़ी और वो थी हंगेरियन और इजिप्शियन फोर्सेस की वजह से क्योंकि चंगेज़ खान मर चुका था और उस वजह से उनका वो लीडरलेस हो चुके थे क्योंकि उस टाइम पे कोई लीडर नहीं था कोई ग्रेट खान नहीं था उसके बाद बना तो मंगोल फोर्स को और भी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब उनके टुकड़े टुकड़े किए गए यानी जब खानेट्स बट गई जब मंगोल अम्पायर बट गई सन्स में तो ये जो पॉलिटिक्स था जिसको हम कहते हैं कोर्ट पॉलिटिक्स फैमिली पॉलिटिक्स इसकी वजह से भी मंगोल आर्मी थोड़ी सी वीक नज़र आने लगी तो डियर स्टूडेंट्स चलिए समझने की कोशिश करते हैं मंगोल अम्पायर आफ्टर चंगेज़ खान ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन तो जैसे ही चंगेज़ खान मैंने कहा वो वापस आया मंगोलिया पहुंचा ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन में उसकी डेथ हो गई और उसके बाद जो उसकी अम्पायर का हेड था वो बनाया गया ओगताई ओगताई पैदा हुआ था अलेवन एटी सिक्स में और 1241 वन में उसकी डेथ हो गई ये था थर्ड सन चंगेज़ ख़ान का तो मंगोल ट्रेडिशन के मुताबिक जो अंपायर थी वो चार बेटों में बट गई और खानेट का जो चंगेज़ खान या ग्रेट खान या खाकान टाइटल वो सिर्फ़ एक ही को मिला दैट वाज ओगताई तो ओगताई ने जो अपनी कैपिटल सिटी है वो काराकोरम बना दी यानी काराकोरम वो प्लेस है जो इस वक्त नॉर्दर्न पोर्शन है मंगोलिया का और उसका नाम था अरवायर तो इस तरह से जो उसका अटेंशन था जो सबसे पहले उसने अटेंशन दिया यानी मुझे कौन सी पार्ट्स को कनकर करना है अपनी अंपायर के साथ जोड़ना है वो थे जिन जो कि नॉर्दर्न चाइना था हालांकि वो खुद नहीं गया उसने अपने भाई को भेजा कुबलाई को वो पढ़ेंगे आगे तो जो मंगोल्स की विक्ट्री थी ट्वेल्व थर्टी फोर में ऑलमोस्ट जो ईस्ट एशिया का ज़्यादातर पार्ट था वो मंगोल्स के हाथ में आ गया फिर उसके बाद कोरिया और तिब्बत ये भी मंगोल के साथ जुड़ गए यानी मंगोल अम्पायर के साथ ये भी एक पार्ट बन गया इन पे भी अटैक किया गया जापान पे भी फोर्स भेजे गए थे नेवल फ्लीट यानी जो समंदरी फ़ौज होता है कश्तियों के ज़रिए वो भेजा गया लेकिन वो फेल हो गए वहाँ पे क्योंकि जो जापानीज़ थे उन्होंने उनको पूरी तरह से डिफीट की और उनको हेल्प की उसमें कुछ जो टेम्पेस्ट आया था कुछ जो तूफान आया था उस समंदर में जो जोड़ता है मंगोल अंपायर को जापान के साथ तो जैसे मैंने पहले कहा ओगताई खान जो कि नेक्स्ट खान बना तो चाइना पे उसने अटैक किया और भेजा अपने भाई को यहाँ पे आप देख सकते हैं ओगताई के बारे में ओगताई का जो मेन मकसद था वो चाहता था वेस्ट यानी यूरोप और यूरोप की तरफ उसने अपनी फ़ौज दौड़ाई इस तरह से अजरबाईजान जॉर्जिया आर्मीनिया और आज की जो रूलर्स है टर्की के टर्की इराक यानी उस टाइम का टर्की और उस टाइम का इराक उनको मजबूर किया गया उनको सबमिशन के लिए मजबूर किया गया और उनसे कहा गया आप आ, जो है ट्रिब्यूट दिया करेंगे ट्रिब्यूट क्या होता है ये एक वेल्थ होता है कुछ प्रेजेंट्स होते हैं कुछ गिफ्ट्स होते हैं जो हर साल जो डिफीट रूलर्स होते हैं वो देते हैं उस रूलर को जिन्होंने उसको डिफीट किया यानी टर्की और इराक को अब देना था ईयरली ट्रिब्यूट किसको मंगोल्स को ये दिया जाता है तब जब वो अपनी कंट्री को डिवेस्टेशन से इन्वेजन से बचाना चाहते हैं या फिर वो एक्सेप्ट करते हैं ओवर लॉर्डशिप मंगोल्स की या किसी और की तो इस तरह से मंगोल फोर्सेस जो थे उन्होंने वेस्टर्न स्टीप्स की तरफ अपनी दौड़ कर दी और इस तरह से रशिया रशिया का जो वोल्गा रिवर है और हंगरी कुछ पोर्शन था वहाँ तक भी अटैक किया तो इस तरह से मंगोल्स पहुँच गए यूरोप तो यूरोप के वो ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि ऐसे ही बीच में 1241 में ओगदाई की डेथ हो गई तो डेथ की वजह से ये मंगोल्स ज़्यादा यूरोप के अंदर नहीं गए तो रशिया का जो पार्ट इनके कंट्रोल में आ गया और वहीं पे उन्होंने स्टॉप किया तो मंगोल फोर्सेस जो उस टाइम पे ओगताई थे उगताई ने अपनी फ़ौज भेजी थी वो वहीं पे रुक गए जहाँ पे जहाँ पे उनका ओगताई खान जैसे ओगताई खान की डेथ हुई जहाँ पे वो उस वक्त थे वहीं पे रुक गए तो वो पोर्शन कहलाता है गोल्डन हॉर्ड गोल्डन हॉर्ड असल में रशियन का वो पार्ट है जहाँ पे मंगोल्स ने अपना डेरा जमाया था यानी जहाँ पे मंगोल्स ने वो पोर्शन कंट्रोल किया था वो रशिया में है और इसको कभी इसका मतलब ही होता है मिनी अम्पायर यानी एक छोटी सी अम्पायर जो मंगोल्स ने वहाँ पे इस्टाब्लिश की शायद बड़ी करती बड़ी करते लेकिन ओगताई खान की डेथ हुई इसलिए फिर से उन्हें नया खान चुनने जाना था तो जितने भी जनरल्स थे वो वापस चले आए कुछ फ़ौज को वहाँ पे छोड़कर ऑलमोस्ट आलमोस्ट ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास कहा जाता है कि रशिया का जो पार्ट कंट्रोल में आया था वहाँ पे उन्होंने बीस हज़ार के आसपास सोल्जर्स रखे एक लीडर के साथ एक जनरल के साथ बाकी फौज वापस आई ताकि जो ओगताई खान का फिनरल है वो भी किया जाए और इस तरह से नया खान फिर इलेक्ट किया जाए सेलेक्ट किया जाए कौन बनेगा नया खान क्योंकि मैंने पहले कहा वॉर ऑफ सक्सेशन यहाँ क्लियर नहीं था पता नहीं था कौन बनेगा नेक्स्ट तो इसमें जंग भी होती थी आपस में भाइयों में कि मैं ही बनूंगा ग्रेट खान एनी वेज़ यहाँ तक हमने देखा ओगताई ओगताई की कबर के साथ भी वैसा ही किया गया जैसा कि चंगेज़ खान के साथ इसकी जो ये कबर है वो भी किसी को आज तक पता नहीं चली है कहाँ पर है हालांकि कहा जाता है कि उसी एरिया में इसको भी दफन किया गया है जहां पे चंगेज खान था यानी मंगोलिया तो डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम उस ग्रेट खान के बारे में जिसको दुनिया बहुत पॉपुलरली जानती है कुबलाई खान के नाम से कुबलाई खान एक ऐसा बादशाह था ऐसा किंग था जो मंगोल ट्रेडिशन से थोड़ा सा डिफरेंट था अब ट्रेडिशन से डिफरेंट क्यों था इसने उतनी किलिंग्स नहीं की हालांकि किलिंग्स की है बहुत ज़्यादा लेकिन उतनी नहीं की जितना कि बाकी ने जैसे मैंने कहा चंगेज़ खान या यागतई वो कभी अगर उनके सामने कोई इनकार करता तो उसकी मौत तो पक्की थी लेकिन कुबलाई खान ने कुछ चीज़ें चेंज की जब वो बना ग्रेट खान तो उगतई खा इस अगताई खान की डेथ के बाद जो उसके चंगेज़ खान के बेटे थे या उनके ग्रैंड थे अब वो कर रहे हैं कोशिश ग्रेट खान बनने की लेकिन जो सेकेंड सन था मोंगके जो सेकंड सन था के अब उसने अपना डेरा जमा लिया साउथ वेस्ट एशिया में और इसमें आज है इराक और ईरान जो के था उसका जो डेरा था उसकी जो अम्पायर थी उसका जो कंट्रोल था यानी जब वो जनरल था तो उसके कब्ज़े में आया था ईरान और इराक इसी तरह से जो के खान था उसने क्या किया <coughs> कोशिश की जो चाइना है फिर से उसको कंट्रोल किया जाए ओगतई नहीं कर पाया था हालांकि उसने बाई को भेजा था लेकिन बहुत कम टाइम उसको मिला और कुबलाई इससे पहले कि चाइना पहुंचता तब तक ओगदाई की डेथ हो चुकी थी इसी वजह से अभी तक ये इनकम्प्लीट रहा चाइना का पार्ट हालांकि चाइना आ, कंट्रोल किया गया लेकिन उतना नहीं जितना कि करना था अब ये सारा जो बोझ था ये सारा काम अब मोम के खान के हाथ में आ गया फिर मैंने कहा कि मों के खान ने खुद वहाँ पे हमला नहीं किया ना अगदाई ने बल्कि ये काम दिया गया कुबलाई खान को और उसने सोंग डायनास्टी जो चाइना की थी उनको डिफ़ीट किया और पहली बार चाइना की हिस्ट्री में कोई फॉरेनर था जिसने नॉर्थ और साउथ चाइना को जोड़ दिया कुबलाई खान पैदा हुआ था बारह सौ पंद्रह में फिफ्टी ट्वेल्व फिफ्टीन में और उसकी डेथ हो गई ट्वेल्व नाइन्टी फोर में ये कहा जाता है गोल्डन पीरियड देखते हैं कैसे तो जैसे मोंग मौ, के भी डेथ हो गई मोंगके खान की भी डेथ हो गई 1259 में कुबलाई खान अब बन गया ग्रेट खान यानी पहला चंगेज खान दूसरा ओगदाई तीसरा मोंके और चौथा बन गया कुबलाई खान तो मोंके खान और कुबलाई खान ने कोशिश तो की थी लेकिन हो नहीं पाया लेकिन मोंके खान ने अपने बदले में अपने भाई को बेच दिया इसको कंटिन्यूसली ऑर्डर्स दिए कि जहाँ पे आप हो उससे आगे बढ़ो और चाइना को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लो तो बिल्कुल वही किया कुबलाई खान ने बल्कि इसने अपने बाई की बात भी मान ली कहीं पे लगा था कि कुबलाई खान शायद अपने बाई के अगेंस्ट जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुबलाई खान ने बिल्कुल रेस्पेक्ट दिखाया अपने बाई की तरफ और उसके हुक्म को मान लिया और चाइना को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में के लिए कंट्रोल करने के लिए निकला तो मोंके का और एक भाई था ब्रदर जैसे मैंने पहले ही बोला चार भाई थे ये ठीक है पहला था ओगताई पहला तो वैसे वो था जो चंगेज़ खान का अपना नहीं था लेकिन इनकी बात करें तो के ओगताई और हलागू और कुबलाई खान तो मोंगके ने क्या किया अपने दूसरे भाई को भेजा अपनी आर्मी लेकर और यही था ख़तरनाक पीरियड मिडल ईस्ट की तरफ मिडल ईस्ट हम बोलते हैं आज के अरब वर्ल्ड को और इस तरह से जो मंगोल अम्पायर थी वो सीरिया और इसराइल तक पहुँची जो कि इस वक्त मिडल ईस्ट में है तो मिडल ईस्ट हम अरब वर्ल्ड को ही बोलते हैं इराक और ईरान इनके कंट्रोल में आ चुके थे अब कुछ पार्ट्स रह गए थे वहाँ पे भेजा गया मोंके को तो मोंके वो था जिसको मंगोल हिस्ट्री में रुथलेस कहा जाता है बारबेरियन कहा जाता है डिज़ास्ट्रस कहा जाता है डिवेस्टेटिंग कहा जाता है क्योंकि इसने मैसेर में कोई कमी नहीं छोड़ी तो हलागु खान भी बिल्कुल इसी रास्ते पर चला हलागु खान ने तो हद ही कर दी हलागु खान वो था जिसने माओ के पेट काट कर उनके बच्चों को बाहर निकाला और फिर मार दिया इतना रिथलेस एटीट्यूड था हलागु खान का तो के इससे आगे था हलागु खान ये दोनों काफ़ी रूथलेस थे लेकिन सबसे ज़्यादा समझा जाता है हलागू का और उसके बाद मोंके खान तो हलागू हैड हिज आई ऑन इजिप्ट एज वेल एज वेल बट बिफोर ही कुड इन्वेड मोंके डाइड तो इससे पहले कि वो इजिप्ट तक पहुंच जाता यानी इराक तक पहुंच जा यह, uh, क्या बोलते इसको मिस्र तक पहुंच जाता लेकिन मोंके की डेथ हो गई इस तरह से वो फिर नहीं जा सका यानी हलागु खान नहीं जा सका क्योंकि उसके भाई की डेथ हो गई और इस तरह से 1265 सिक्सटी फाइव में जब मौके मरा तो हलागो ने अपना डेरा संभाल लिया सो so, जो भी ग्रेट खान बना उनका विजन से क्लियरली पता चलता है कि पूरी जो दुनिया है उस पर रोल किया जाए तो ईस्टर्न यूरोप हो मिडल ईस्ट हो चाइना हो मंगोलिया हो या फिर रशिया हो इन्होंने किसी पार्ट को नहीं छोड़ा लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ तबाही मचा दी तो कुबलाई खान की बात करते हैं मंगोल जो मंगोल अम्पायर थी वो सबसे ज़्यादा बड़ी बन गई मंगो कुबलाई खान के टाइम पे क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़ में चाइना है ही इसी वजह से जब चाइना मंगोल अम्पायर के साथ जुड़ गई तो ये काफ़ी वास्ट हो गई और कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो गई कोरिया से लेकर रशिया तक तो जो मंगोल थे कुबलाई खान के अंडर 1279 में चाइना को पूरी तरह से कुबलाई खान ने अपने कब्जे में लिया यहाँ तक कि उसने सीट ऑफ पावर भी वहीं ले ली पहले जितने भी खान थे चाहे वो चंगेज़ था ओगताई था मोंगके था या हलागु खान था इन सब ने मंगोलिया को अपनी सीट ऑफ पावर बनाया सिटी उनकी वहीं पे थी पहली बार ऐसा हुआ कि कुबलाई खान ने अपनी कैपिटल सिटी मंगोलिया के बजाय चाइना में बना दी वो देखेंगे कैसे सो so, कुबलाई खान का जो टाइटल मिला ग्रेट खान था तो इसका मतलब ही था कि पूरे अम्पायर मेरे कंट्रोल में है जो बाकी बाई थे जिनको अम्पायर हुआ करती थी उनको ऑर्डर्स मानने होते थे और जब कभी भी जरूरत पड़ती आर्मी की तो वो भेजते थे सपोर्ट के लिए तो देखते हैं और कुछ चीज़ें सो इन चाइना कुबलाई फाउंडेड वट कैम टू तो बी नोन एज द यून डाइनासिटी तो ने मैंने कहा कैपिटल सिटी भी चाइना में बनाई और अपनी अंपायर भी अलग खड़ी कर ली और उसका नाम रखा यून डायना तो रूल करती रही थर्टीन सिक्सटी एट तक और उसके बाद चाइना में रूल खत्म हुआ चाइनीज पीपल अगेंस्ट हो गए जो पुराने कोई किंग्स प्रिंसेस थे तो जो भी प्रिंसेस थे चाइना के जिनको डिफ़ीट किया गया था जो किसी वजह से बच गए थे तो उन्होंने फिर से बगावत की और इस तरह से जो कुबलाई खान के सक्सेसर्स थे वहाँ पे उनको डिफ़ीट करके फिर से अपनी चाइनीज़ अम्पायर फिर से खड़ी कर दी वो आगे पढ़ेंगे तो इस तरह से जो कैपिटल सिटी बनाई थी कुबलाई खान ने वो काफ़ी मशहूर थी उसका नाम रखा गया था खान बालिक खान बालिक आज की सिटी के पास ही थी या हम कहेंगे वही थी और चाइना ने फिर इसका नाम रखा बीजिंग। तो बीजिंग जो आज की कैपिटल सिटी है चाइना की वो असल में कुबलाई खान ने बनाई थी और उसका नाम रखा था खान बालिक। तो काफ़ी फेमस ट्रावलर है यूरोपियन हिस्ट्री में या हम कहेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसने कुबलाई खान के यहाँ कई साल गुजारे ऑलमोस्ट सेवेंटीन ईयर्स और ये था मॉर्को पोलो जो पैदा हुआ था 1254 में और उसकी डेथ हुई 1324 में वो इटली से आया था और इस तरह से कुबलाई खान के बारे में जब सुना तो उसने ट्रैवल किया लॉन्ग ट्रैवल किया अपने कुछ कज़िन्स के साथ रिलेटिव्स के साथ और पहुंच गया कुबलाई खान के कोर्ट में और कुबलाई खान की एक अच्छी खासियत थी वो फॉरेनर्स को काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट देता था पोजीशंस भी देता था और उन पर ट्रस्ट भी करता था उसका मानना था कि जो फॉरेनर्स होते हैं उन्हें लोगों से कोई रिलेशन नहीं होती है इस वजह से वो बगावत नहीं कर सकते बगावत अगर करेगा तो कोई अपना भी कर सकता है या लोकल कर सकता है यानी अगर मैं चाइना में हूँ तो चाइनीज़ पे भरोसा नहीं कर सकता इसी तरह से अगर मैं ईरान में हूँ तो ईरानीज़ पे भरोसा नहीं कर सकता इराक पे हूँ तो इराकीज़ पे भरोसा नहीं कर सकता तो फॉरनर्स पे करूँगा तो वो किसी तरह की बगावत नहीं कर पाएंगे ये डर था हर एक मंगोल खान को अपने टाइम पर एनी वेज़ यहाँ पर पता चल गया आपको मार्कोपोलो के बारे में आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और तो मार्कोपोलो की ये पिक्चर और कुबलाई खान की ये पिक्चर आपको बता सकते हैं हम जो मार्को पोलो तो उसने एक बुक लिखी है हालांकि बुक खुद नहीं लिखी है उसने अपनी स्टेटमेंट्स दी है मरते वक्त और किसी और ने इसको बुक में कन्वर्ट किया जिसका नाम था द ट्रावल्स ऑफ मॉर्को पोलो इस बुक में वो बताता है तमाम चीज़ें जो भी चाइना में हुई या कुबलाई खान के टाइम पर हुई कुबलाई खान कितना अच्छा था कैसी उसकी आर्मी थी एंड ऑल दैट तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा मार्को पोलो के बारे में उसने क्या स्टेटमेंट्स दी है और साथ में पढ़ेंगे फोर जो बड़ी अम्पायरस बनी कुबलाई खान और उसके सक्सेसर्स के अंडर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंजॉय द डे और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नए, नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और साथ ही में आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं ताकि पता चले कि आपको ये पसंद आते हैं कि नहीं चलिए अल्लाह हाफिज़